Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1998 की फिल्म ट्रेन ऑफ लाइफ के बारे में, जो कहानी है एक ईस्टर्न यूरोपियन ज्यूइश गांव के लोगों की, जिन्होंने होलोकॉस्ट से बचने के लिए एक प्लान बनाया। और ये कहानी हमें श्लोमो नाम का एक आदमी सुना रहा है। फिल्म की शुरुआत 1941 में होती है, जहां हम श्लोमो नाम के एक आदमी को पागलों की तरह दौड़ते हुए देखते हैं। श्लोमो ने अपने गांव के पास के एक इलाके में कुछ ऐसी चीजें देखी जिसके बारे में वो अपने गांव वालों को बताना चाहता था। जंगल के बीच से दौड़ते हुए वो अपने गाँव के रवि तक पहुँचा, जिसे उसने बताया कि नाजी सिपाही किस तरह लोगों को मार रहे हैं। और वो दोनों पूरे गाँव में दौड़ते दौड़ते लोगों को इकट्ठा करने लगे, जिसके बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई। गांव वाले जानते थे कि श्लोमो एक पागल है, इसलिए जब उसने बताया कि नाजीज ज्यूइश इलाकों को पूरी तरह खत्म कर रहे हैं, तो उसकी बात किसी ने नहीं मानी। सिर्फ रवि उसकी बात पर भरोसा कर रहे थे और उन्होंने समझाया कि गांव वालों को अपनी रक्षा करने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि नाजीज अब उनके लिए आने वाले हैं। वो लोग डरते डरते यहाँ से निकलने के रास्ते ढूंढने लगे, पर रवि की पत्नी ने उनसे कहा कि अगर उनकी आवाज से सोए हुए बच्चे उठे तो वो उन्हें घर से निकाल देगी, और इसीलिए उन्हें बिना आवाज किए बातें करनी पड़ी। श्लोमो ने कहा कि उन्हें भेड़ बकरियों के साथ एक नकली डिपोर्टेशन ट्रेन में यहाँ से निकलकर इसराइल, रशिया, पैलेस्टीन जैसे देशों में जाना चाहिए, जहाँ वो आजादी से जी पाएंगे। पर फिर से उसे पागल समझकर उन लोगों ने कहा कि ऐसा करना सही नहीं। एक आदमी कहने लगा कि उसकी पत्नी को ट्रेन से डर लगता है, तो दूसरे ने कहा कि जर्मन्स के भेस में यहाँ से निकलना एक पाप है, और तीसरे आदमी ने कहा कि यहाँ से भागना सही नहीं है और यही उनका असली घर है। पर रवि ने सोच लिया था कि वो लोग ट्रेन का इंतजाम करके ही रहेंगे। अब इस प्लान को अंजाम देने के लिए श्लोमो उन सबका लीडर बन गया था, और उसने उनसे कहा कि उन्हें ट्रेन खरीदनी होगी और यूनिफॉर्म्स खुद बनाने होंगे। जल्द ही ये बात सारे गांव वालों तक पहुंचा दी गई और हर कोई हड़बड़ाते हुए जाने की तैयारी करने लगा। पर एक आदमी था जो सिर्फ इसी बात से परेशान था कि जर्मन्स उसकी खूबसूरत बेटी एस्थर को देख लेंगे, और उसे एक आदमी ने समझाया कि वो जब यहाँ आएंगे तो एस्थर ट्रेन में होगी, तो आखिर जर्मन्स उसे देखेंगे कैसे। अब परेशानी सिर्फ इस बात की थी कि गांव के लोग नकली नाजी सिपाही बनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके हिसाब से एक नाजी बनना किसी पाप से कम नहीं। इसलिए काउंसिल ने फैसला किया कि जिन्हें जर्मन अच्छी तरह बोलनी आती है वही नाजी सिपाही बनेंगे, और फिर उन लोगों को जर्मन सिपाही बनाया गया जिन लोगों को सिपाही बनना ही नहीं था। अब गांव वाले खुशी खुशी अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी करने लगे, और नाजी यूनिफॉर्म्स बनाने के साथ साथ वो ट्रेन का इंतजाम करने के लिए पैसे भी इकट्ठा करने लगे। गांव की औरतें सफर के लिए खाना बनाने लगी। एस्थर से हर कोई शादी करना चाहता था, जिनमें से एक रवि का असिस्टेंट योसी भी था, पर एस्थर किसी और से प्यार करती थी। जल्द ही ट्रेन के एक हिस्से के लिए पैसे इकट्ठा हो गए, और रवि ने अपने पत्नी के कजिन श्मेक्ट को गांव बुलाया ताकि वो सिपाही बन रहे लोगों को जर्मन भाषा सिखा पाए। श्मेक्ट का कहना था कि यहूदी भाषा और जर्मन भाषा काफी मिलती जुलती है, पर यहूदी भाषा एक तरह से जर्मन भाषा का मजाकिया वर्जन है। अगर यहूदी भाषा में से खुशी हटा दी जाए तो वो भाषा जर्मन बन जाती है। और ये जानकर मोर्देकाई नाम के एक आदमी को लगने लगा कि शायद जर्मन जानते हैं कि यहूदी उनकी भाषा का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो यहूदी को मार रहे हैं। ट्रेन तैयार करने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले थे, और इसलिए गांव के मुखिया यांकेले को परेशानी होने लगी थी। पर ट्रेन के एक हिस्से की खूबसूरती को देखकर और बच निकलने का जरिया अपने सामने देखकर हर कोई खुश था। योसी को उसके कजिन के पास सफर पर भेजा गया, जहां से वो नकली नाजी आईडी और पासपोर्ट्स बनवाकर वापस आ जाएगा। पर जब वो घर वापस आया तो अपने कजिन की तरह एक कम्युनिस्ट बनकर आया, और वो हर किसी को समझाने लगा कि उन्हें भागने की कोई जरूरत ही नहीं और हर किसी को मसीहा को मानकर कम्युनिस्ट बन जाना चाहिए। रवि को योसी की ये बातें बुरी लगने लगी और उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। रवि अब ट्रेन के लिए एक ड्राइवर को ढूंढना चाहते थे, और इस काम के लिए उन्होंने इत्ज़िक को शहर भेजा और कहा कि बेहतर होगा कि वो आते हुए एक कम्युनिस्ट बनकर ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि गांव दो हिस्सों में बंट जाए। कुछ वक्त बाद रवि को खबर मिली कि इत्ज़िक लौट आया है, और खुशी खुशी रवि के साथ गांव के दूसरे लोग इत्ज़िक के पास गए, जो अपने साथ एक आदमी को तो लाया था पर उस आदमी ने पहले कभी कोई ट्रेन नहीं चलाई थी। रवि को समझ नहीं आया कि आखिर इत्ज़िक उसे लाया ही क्यों है, तो उसने बताया कि उसके पास एक किताब है जिसमें ट्रेन चलाने का तरीका लिखा है, और वो आदमी हमेशा से एक ट्रेन ड्राइवर बनना चाहता था।
यंकेले इस बात से परेशान था कि ड्राइवर तो आ गया पर ट्रेन तो अब तक बनकर तैयार ही नहीं हुई। उस शाम रवि और इज्जिक के साथ साथ दूसरे गांव वाले फिर से यंकेले के पास पैसे मांगने गए और किसी तरह अपने आप को संभाल कर यंकेले ने उन्हें पैसे दे दिए, पर उन पैसों के बदले वो ड्राइवर श्रूल टूटी फूटी ट्रेन लेकर आया। इज्जिक का कहना था कि रात के अंधेरे में उन्हें ट्रेन खराब लग रही है, पर जब सुबह उन्होंने उस ट्रेन को वापस देखा तो यंकेले बेहोश हो गया। ट्रेन तैयार होने लगी थी और श्रूल भी इंजन बनाने ही वाला था, पर फिर रवि से मिलने पड़ोसी गांव का एक आदमी आया जिसे बच्चों से खबर मिली थी कि उस गांव के लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, पर रवि ने उससे सच्चाई छिपाई और उस रात मीटिंग बुलवाकर उन्होंने सबसे कहा कि इससे पहले कि पड़ोसियों को खबर मिले उन्हें वहां से निकलना चाहिए। वो सारे लोग उसी रात ट्रेन में बैठकर वहां से पैलेस्टीन जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने निकलने की तैयारियां करना शुरू कर दिया। मोर्देकाई नाम का आदमी भी अपने यूनिफॉर्म के साथ तैयार हो चुका था और पूरी तरह एक कमांडर के रोल में ढल गया था। श्रूल उनसे कहना चाहता था कि ट्रेन पूरी तरह तैयार नहीं है, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे जल्द से जल्द ट्रेन पूरी तरह तैयार करनी पड़ी। सारी तैयारियां करने के बाद और दुआएं मांगने के बाद गांव के सारे लोग ट्रेन में बैठना शुरू करने लगे और इस तरह उन्हें जिंदा बचाकर ले जाने वाले ट्रेन ऑफ लाइफ का जन्म हुआ। श्रूल ने किताब उल्टी पकड़ रखी थी इसलिए ट्रेन भी उल्टी चलने लगी, पर सही वक्त पर उसने अपनी गलती सुधार ली और वो लोग वहाँ से निकलने लगे। गांव के हर बूढ़े और बच्चे एक आजाद जिंदगी की ओर बढ़ने की खुशी में गुम थे और श्लोमो भी आजादी के मजे लूट रहा था। रास्ते में वो सारे लोग जर्मन्स को ढूंढ रहे थे, पर रवि ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि अगर वो ऐसा करते रहे तो पैलेस्टीन पहुंचने से पहले ही वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे। वो सफर उन लोगों के लिए मुश्किल होने लगा था क्योंकि श्रूल जल्द ही समझ गया कि उनकी ट्रेन एक स्टेशन से गुजरी है जहां नाजीज को पता चल गया है कि एक ट्रेन बिना शेड्यूल के चल रही है और जल्द ही जर्मन सिपाहियों को उनकी ट्रेन के पास भेजा जाने लगा। इसी के साथ साथ कुछ क्रांतिकारी उस ट्रेन को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि वो सचमुच एक नाजी की ट्रेन है, पर क्योंकि श्रूल ने ट्रेन रोक दी थी वो क्रांतिकारी ऐसा कर नहीं पाए। ट्रेन में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी और इस बीच एस्टर ने अपने पिता को बताया कि वो मोर्देकाई के बेटे सामी से प्यार करती है, पर सामी भी योसी की बातों में आकर कम्युनिज्म की ओर बढ़ने लगा था और इसलिए एस्टर के पिता ने उसे सामी से दूर रहने के लिए कह दिया। कुछ वक्त बाद एक आदमी के कहने पर गांव वालों ने अपनी ट्रेन का रास्ता बदल दिया ताकि वो जर्मन्स की नजरों से बच पाए। इस बात से क्रांतिकारी परेशान हो गए। अचानक उस रात वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ट्रेन को नाजी सिपाहियों ने रोक लिया और मोर्देकाई ने उन्हें नकली परमिट दिखाई। वो वहां मौजूद कमांडर से कहने लगा कि इस ट्रेन के बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि इस ट्रेन में सिर्फ ज्यूज नहीं बल्कि कम्युनिस्ट ज्यूज है और क्रांतिकारियों की नजरों से बचने के लिए उन्होंने इस ट्रेन को शेड्यूल में नहीं रखा। जल्द ही अपनी समझदारी से मोर्देकाई ने कमांडर को अपनी बातों में उलझा दिया और वो लोग वहां से निकलने में कामयाब हुए। एक रात जहां रवि की पत्नी बच्चों को बेहतर महसूस कराने के लिए पैलेस्टीन की खूबसूरती के बारे में उन्हें बता रही थी तो दूसरी तरफ नाजीज की सच्चाई को रवि उन बच्चों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। रवि इस बात से परेशान हो गए थे कि मोर्देकाई एक्टिंग करते करते अपने आप को असली कमांडर समझने लगा था। वो इस बात से भी परेशान थे कि उन लोगों के बीच कम्युनिस्ट का एक गुट तैयार हो चुका था। एक तरफ ज्यूज ये सोच रहे थे कि भगवान होते हैं तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट का मानना था कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती और वो सारे लोग इसी बात को लेकर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। उन सब के बीच सिर्फ श्लोमो ही एक समझदार इंसान था जिसे वो लोग पागल समझते आए हैं और श्लोमो ने उन्हें ये समझाया कि उन्हें भगवान के लिए नहीं इंसानियत के लिए लड़ना चाहिए। उसकी बातें सुनकर सबने झगड़ा खत्म किया और मोर्देकाई को समझ आ गया कि श्लोमो पागल नहीं बल्कि बेहद समझदार है। अगली सुबह सारे कम्युनिस्ट ट्रेन से भागने लगे और मोर्देकाई ने कह दिया कि उन्हें छोड़कर उन सबको वहां से आगे बढ़ना होगा, पर रवि उन लोगों को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि वो लोग भी उन्हीं की तरह यहूदी हैं और उन्हीं के गांव के लोग हैं। और तब उन्हें ढूंढने के लिए श्लोमो ने एक आइडिया दिया जिसके चलते वो लोग कुत्तों की मदद से उन्हें ढूंढने गए और उन्हें पकड़ कर वापस ले आए। उन्होंने हर किसी को पकड़ लिया सिवाय गांव के टेलर को। उस टेलर के चश्मे टूट गए थे और वो गलती से असली नाजी सिपाहियों के पास चला गया और ये सारी बातें श्लोमो ने गांव वालों को बताई। वो लोग टेलर को छुड़वाने की तैयारी करने लगे और श्लोमो के कहने पर मोर्देकाई को कमांडर से भी ऊंची पोस्ट का यूनिफॉर्म बनाकर दिया गया। मोर्देकाई बिना वक्त गवाए वहां गया जहां टेलर को कैद में रखा गया था और उसे अपना कैदी बताकर वो लोग उसे वहां से बाहर ले आए। पर फिर मोर्देकाई ने उस सिचुएशन का फायदा उठाया और अपनी ट्रेन के लिए
बहुत सारा खाना बनवा लिया, जिसके बाद वो अगली सुबह सारे गांव वालों को खुशी खुशी वहाँ से भरपूर खाने के साथ ले गया। पर कुछ घंटों बाद एक आदमी ने ये सच नाजी कमांडर को बता दिया और ये बता दिया कि मोर्देकाई और उसके साथ आए सारे लोग यहूदी थे। मोर्देकाई श्लोमो से बातें कर रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि वहाँ नाजी सिपाही आ पहुँचे हैं और कुछ वक्त बाद उनकी ट्रेन को रोककर उन सिपाहियों ने ट्रेन में मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया। मोर्देकाई बुरी तरह डर गया था और वो नाजी कमांडर श्लोमो को मारने ही वाला था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हैरान कर दिया। श्लोमो का भाई मंजतो वहाँ आ गया और उसने बताया कि वो सारे लोग नाजी नहीं बल्कि जिप्सी है। उन सारे जिप्सीज को यहूदियों ने अपने ट्रेन में पैलेस्टाइन ले जाने का फैसला किया और मोर्देकाई को अपने ही जैसा एक एक्टर भी मिल गया। एस्टर ने सामी को छोड़ दिया था और उसे फिर से एक लड़के से प्यार हो गया था, पर जब उसके पिता को पता चला कि वो एक जिप्सी से प्यार करती है तो उन्होंने कहा कि इससे बेहतर होता कि वो एक नाजी से प्यार कर लेती। सामी को भी उसी रात एक जिप्सी औरत से प्यार हो गया और सामी और एस्टर एक दूसरे को भूल गए। गाँव के लोग और जिप्सीज आने वाली जिंदगी की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे थे। पर वो ये नहीं जानते थे कि वो लोग अगली सुबह सीधे जर्मन से टकराने वाले हैं। अगली सुबह श्लोमो ने एस्टर को उस जिप्सी के साथ देख लिया, पर उसने कुछ नहीं कहा। तब एस्टर ने उससे बातें की और उन बातों के बीच श्लोमो ने उसे बताया कि वो हमेशा से एस्टर से प्यार करता था। ये सुनकर एस्टर रोने लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि वो लोग जल्द ही मरने वाले हैं। उन लोगों ने जिस जगह अपनी ट्रेन रोकी वहाँ अचानक जर्मन्स ने हमला करना शुरू कर दिया और वो समझ गए कि वो बॉर्डर पर पहुँच गए हैं। उन हमलों के बीच वो वहाँ से सोवियत यूनियन पहुँचने में कामयाब हुए और आजाद होकर वो सब अलग अलग देशों में रहने चले गए। ये सारी कहानी हमें श्लोमो बता रहा था, जो इसे एक सच्ची कहानी बताकर सुना रहा है, पर ये सब कुछ श्लोमो की फैंटेसी थी, जिसका मतलब ये था कि असलियत कुछ और थी और श्लोमो और उसके गांव वाले कभी जर्मन से बचकर भाग ही नहीं पाए और उनकी ट्रेन सीधे जाकर जर्मन्स के सामने रुकी और कॉन्सेंट्रेशन कैंप में वो लोग कैदी बनकर रह गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।